शहीदों के परिवारों की मदद के लिए आगे आए दिलजीत दोसांझ, किया ये काम। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 42 जवानों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आए हैं। दिलजीत दोसांझ ने 3 लाख रुपए दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद दिलजीत ने दी है। उन्होंने सीआरपीएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को दिए गए अपने दान की रसीद का एक स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ये फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे सैनिक देश और देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं। उन्हें अपने प्रियजनों से दूर रहना होता है, उन्हें पता नहीं होता कि अगले दिन क्या होगा। उन्होंने कहा, परिवारों को नहीं पता कि वे उन्हें अगली बार कब देखेंगे, लेकिन हमेशा एक उम्मीद थी जो अब इन परिवारों के लिए चली गई है। दिलजीत के अलावा कई सितारों ने शहीदों के परिवारों का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। अमिताभ बच्चन भी 14 फरवरी को आतंकी हमले में शहीद हुए 49 सीआरपीएफ के जवानों के हर परिवार को 5 से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं सलमान खान ने अपनी एनजीओ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से शहीदों के परिवारों को मदद की पेशकश की है। पुलवामा हमले में अपने 40 जवानों को खोने के बाद बॉलीवुड भी गमगीन है। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, आमिर खान, सलमान खान समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए दुख और गुस्सा जाहिर किया है। इस हमले को हुए 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पूरा देश आज भी शौकी लहर में दौड़ रहा है। देश के हर कोने से शहीदों के परिवार की मदद के लिए लाखों लोग आगे आ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के कई सितारे भी आगे आए।